बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम गर्देजी फ्रूट फार्म कबीरवाला में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने जो पीछे काम दिया था दोस्तों को, तो हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये सारा मुकम्मल करके रखा हुआ है। ये ट्रेंच बन गई है। ये पौधा हमारा एक ख़राब था, एक हमारे ये बैक साइड पर पौधा है वो ख़राब है। इस किस्म के जो हैं तकरीबन कोई 20-25 पौधे जो थे वो टोटल इस 30 एकड़ में जो हैं वो ख़राब पौधे थे, या जो पौधे हमारे स्लो डिक्लाइन की तरफ थे। तो ये डिक्लाइन जो है ना सिर्फ ये रुक जाएगा, ये ज़्यादा हमने जब चेक किया और ये हमने दोस्तों ने भी बताया कि जितनी भी यहाँ से रूट्स निकल रही थी तो वो ब्लैक हो चुकी थी, और कुछ रूट्स ऐसी थी जहाँ से हमें कुछ स्मेल भी आ रही थी, कुछ रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज थी। तो इस ट्रेंच बनाने का भी मकसद ये है कि हमने इसके पानी को बंद करना है। जैसे हमने ये देखा कि ये बाहर से हमने पूरा ये एक रुकावट बना के बंद बना के और इसको हमने पानी को बंद कर दिया है। ये हमारी तकरीबन 2 से 2.5 फुट गहरी जो है वो ट्रेंच है, और उसकी जो मिट्टी निकली थी उसको हमने इस तने के साथ इस तरीके से लगाया है कि ये डाउनवर्ड स्लोप है या पैरामिड टाइप है, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी भी इसी ट्रेंच में आए। तो इसको हमने जब पानी देना है तो ये मुकम्मल जब ड्राई हो जाएगी तो उस वक्त जो है हमने इसमें पानी देना है। उससे पहले हमने इसे पानी नहीं देना, या सर्दियों में हमें 2 पानी छोड़कर 1 पानी देना है, और गर्मियों में हमें 1 पानी छोड़कर और अगली आपाशी, यानी अगर हम 15 दिन बाद आपाशी कर रहे हैं तो ये महीने बाद करनी है, और अगर हम 10 दिन बाद कर रहे हैं तो इसको फिर 20वें दिन हमने पानी देना है। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि अभी इसमें वत्तर काफ़ी है तो फिर आपने जो है इसमें पानी नहीं देना। इस बंद को हमने मजबूत करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि हमारा जो दूसरे बाग में पानी लग रहा है आम पौधों को, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। पानी उस वक्त जाए जब आप पानी इसे लगाना चाहते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात जो है, इस पौधे के जो यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा है उसमें जो है हमने ये नहीं कोशिश करनी कि ये वहाँ पर डिप्रेशन हो उसके करीब, तने के करीब, तो उससे जो है ये ज़्यादा लॉस हो सकता है। वहाँ पे पानी बारिश का खड़ा होगा तो फिर वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, तो उस को भी हमने जो है गाय बगाए मजबूत करते रहना है। ये पौधे जो है 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर जो है अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, और फिर हम जब ये रिकवरी की तरफ चले जाएंगे पौधे, तो ये ट्रेंच भी आपकी कुछ ना कुछ जो है ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और हम इसको जो है 1 साल या 2 साल में से बराबर भी कर सकते हैं। बराबर करके फिर हमने जो है ये एक पायरामिड जो है जो यहाँ हमने बना दिया है, तो उस सिस्टम को हमने ऐसे ही रखना है कि पानी जो है वो 8 से 10 फुट दूर पौधे को लगे सिर्फ रूट सिस्टम में, और फिर जो है वो वापस चला जाए, तो तने के करीब पानी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ हसन रजा गर्देजी साहब भी मौजूद हैं, तो आप बताएं आप जो है इस सिस्टम में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या अभी आप देख रहे हैं इसको? अभी तो स्टार्ट है, अभी तो तकरीबन इस बात को भी 10-15 दिन 20 दिन हुए हैं, तो ये तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, इंशाल्लाह चलता रहेगा और नजर भी आता जाएगा। इससे ये कम से कम जरूर फायदा हो गया, हमें पता लग गया कि हम किस बीमारी की तरफ जा रहे थे, जो कि हमें नजर आना शुरू हो गई जड़ों को देख के, जमीन को अंदर से देख के। तो इंशाल्लाह अब रिवर्स प्रोसेस शुरू है, उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट विजिट पे या इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में हमारा काफी अच्छी इसकी लुक्स होंगी। प्लांट की हाइट है वो भी बहुत अच्छी है, तो सिर्फ जो एक खामी थी वो ये थी कि ये सख्त ज़मीन है, यहाँ पर जो है वो पानी जो है उतनी अच्छी तरीके से निकास नहीं होता, तो ये कम निकास वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर हमें ये सिस्टम करना है, और हो सकता है कि हमें फ्यूचर में दूसरे दरख्तों की तरफ भी ऐसे ही करना पड़े, या फ्यूचर में हम एक जो है वो मेन ट्रेंच बना देंगे हर 2 पौधों के दरमियान में या पूरी लाइन में, तो वो एक ट्रेंच बन जाएगी और उससे जो है हम काफी सारा फायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।